नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इंडिया रिव्यू में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने चार बेस्ट बजट टॉप रेटेड सर्कुलर सॉ मशीन को इस वीडियो में कवर किया है। एक सर्कुलर सॉ टूल वुड, प्लास्टिक और मेटल जैसे मटेरियल में कटिंग के लिए यूज होता है। हमने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। इन सारे प्रोडक्ट्स के बेस्ट बाइंडिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है स्टेनली SC16 सर्कुलर सॉ। बात करें इसकी फीचर की, तो यह स्टर्डी और लाइट वेट प्रोडक्ट है। इस मशीन का डिजाइन बेहद सिंपल है और यह पावरफुल कट्स देता है। ये एक मल्टीपर्पज टूल है जो ऑन ऑफ स्विच बेवल एडजस्टमेंट मोड के साथ आता है। साथ ही इसमें लेजर गाइड दिया गया है जिससे ऑपरेशन करना बेहद आसान होता है। इसमें पावरफुल 600 वाट मोटर लगाया गया है जो स्मूथ और प्रिसाइज कटिंग में हेल्प करता है। और इसमें स्पिन स्पीड 5500 राउंड पर मिनट है जिससे फास्ट कटिंग मिलता है। इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनल हैंडल लगाया गया है जिससे आपको 200 ऑपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलता है। इसमें 65 मिलीमीटर डेप्थ कटिंग होता है। इसके 45 डिग्री बेवल कैपेसिटी के हेल्प से आप डिफरेंट एप्लीकेशन में से यूज ले सकते हैं। इसमें स्पिंडल लॉक फीचर दिया गया है। इस प्रोडक्ट का वेट 3.9 kg है। वारंटी की बात करें तो प्रोडक्ट पर एक साल की वारंटी है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो यह प्रोडक्ट 4800 के प्राइस रेंज में आती है। अगर आपको एक लो बजट में सर्कुलर सॉ परचेज करनी है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से भी रिकमेंडेड है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है ब्लैक डेकर CS1500 वुड कटिंग सर्कुलर सॉ। बात करें इसकी फीचर की, तो इसमें 1500 वाट पावरफुल मोटर लगाया गया है और इसमें स्पिन स्पीड 4300 राउंड पर मिनट है। इस मशीन को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि बिना ओवरहीटिंग के लंबे ड्यूरेशन तक ये काम कर सके। इसका ब्लेड साइज 185 mm है। इस सर्कुलर सॉ को बेवलिंग शू के साथ डिजाइन किया गया है जो 0-45 degree एक्यूरेट एंगल कट्स देता है। इसमें मैक्सिमम कटिंग डेप्थ 63 mm है। इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉक ऑफ स्विच फीचर दिया गया है। इसका हैंडल काफ़ी एर्गोनॉमिक डिजाइन में आता है जिससे आपको मैक्सिमम कंट्रोल और कंफर्ट मिलता है। इसमें एंगल कट्स के लिए बेवलिंग शू दिया गया है। फास्ट कटिंग के लिए 36 टीथ कार्बाइड ब्लेड लगाया गया है। वारंटी की बात करें तो प्रोडक्ट पर एक साल की वारंटी है। ये मशीन प्रोफेशनल एज वेल एज इंडस्ट्रियल वुड कटिंग एप्लीकेशन के लिए काफ़ी सूटेबल प्रोडक्ट है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो यह प्रोडक्ट 6000 के प्राइस रेंज में आती है। इस बजट में एक बढ़िया सर्कुलर सॉ है। अगर आप प्रोफेशनल यूज के लिए इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है बॉस्क GKS190 सर्कुलर सॉ। बात करें इसकी फीचर की, तो इससे काफ़ी हाई कटिंग मिलता है और प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें काफ़ी डीपर कटिंग कैपेसिटी है। इसमें डेप्थ एडजस्टमेंट कट्स के लिए 67 mm डीप है। इसके हेल्प से वुड हार्डवुड में परफेक्ट कटिंग मिलता है। इसका पावर आउटपुट 1400 वाट है और इसमें स्पिन स्पीड 1200 राउंड पर मिनट है। सॉ ब्लेड का डायमीटर 184 mm है। सॉ ब्लेड बोर डायमीटर 20 mm है। सॉ के ब्लेड्स को इजीली चेंज करने के लिए स्पिंडल लॉक दिया गया है। ये मशीन लेफ्ट हैंडर्स के लिए भी काफ़ी सूटेबल प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का वेट 5.7 kg है। इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी पावरफुल और रोबस्ट है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये प्रोडक्ट 8800 के प्राइस रेंज में आती है। इस बजट में ये बेस्ट और पावरफुल सर्कुलर सॉ है जो बॉस्क ब्रांड की तरफ से आती है। ये हमारी तरफ से भी रिकमेंडेड है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है मकीटा 2000 वाट सर्कुलर सॉ। बात करें इसके फीचर की, इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी रोबस्ट है जिसे आप हैवी ड्यूटी यूज में से ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट 30 ईयर से मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोडक्ट है और ये अपग्रेडेड वर्जन में भी है। इसमें 2000 वाट पावरफुल मोटर लगाया गया है। इसे रियल वर्क हॉर्स डिजाइन में तैयार किया गया है। इसकी हेल्प से प्लाई से हार्डवुड तक रीपिंग और क्रॉस कट में काफ़ी एक्सलेंट परफॉर्मेंस मिलता है। वारंटी की बात करें तो प्रोडक्ट पर 6 month की वारंटी अवेलेबल है। प्रोडक्ट वेट 7 kg है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो यह प्रोडक्ट 11500 के प्राइस रेंज में आती है। इस बजट में यह बेस्ट सर्कुलर सॉ है जिससे आप हैवी ड्यूटी वर्क या प्रोफेशनल यूज के लिए ले सकते हैं। ये हमारी तरफ से भी रिकमेंडेड है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी।